आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम दिल से दिल तक में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन लेकर आना है ताकि आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो सके। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सेल्फ लव की, क्योंकि सेल्फ लव की जिस अकॉर्डिंग हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी तो वो बात कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी। इससे पहले हम कार्यक्रम को आगे बढ़ें, सबसे पहले स्वागत करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच कुंवर रंजन सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी सेल्फ लव की, तो सेल्फ लव के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया, डिटेल्स दी उसके बारे में क्या है और हमारे जीवन में किस प्रकार सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सेल्फ लव करें कैसे, इसका क्या सही तरीका क्या है? सेल्फ लव की हम बात कर रहे थे और उसमें एक बात निकल कर आई जिसको हमने पिछली बार 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 दोहराया था कि सेल्फ लव के अभाव में हमने अपने आप को समझा दिया कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, मतलब एक खलनायक की तरह हमने स्वयं को पेश करा स्वयं की नज़रों में। और उसका रिजल्ट क्या आया कि सबसे ज़्यादा प्रभावित सेल्फ इमेज हुई। उसके भी हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हमारा सेल्फ इमेज ऐसा हो गया कि हम अपने ही चित्र को, अपने आप को अपनी आंखों से ही, अपनी बंद आंखों से हम देख नहीं पा रहे। मतलब सेल्फ इमेज कितना खराब हो चुका है आप इमेजिन कर सकते हो। इसको ठीक करने का सिर्फ एक रास्ता है और इस सेल्फ लव से क्या क्या होने वाला है वो आप इसको ऐसे समझें कि जैसे ही आप सेल्फ लव अपने आप को, अपने प्रति प्रेम को बढ़ाते हो, जो कि अब ये बहुत सारे दुनिया भर के रिसर्च से प्रूव्ड हो चुका है कि जब तक आप स्वयं से प्यार नहीं करते तब तक प्यार की बात करना, किसी और से प्यार करना, उसके बारे में सोचना भी, ये सब सिर्फ बातें हैं। असलियत में प्यार की शुरुआत स्वयं से ही होने वाली है। ये सारी बातें हमने तकरीबन पिछले एपिसोड में की है। अब करना क्या है, उस सेल्फ लव से इमीडिएटली, जिसमें सेल्फ इमेज की बात कर रहा हूं, वो आपका ठीक होगा। आप एक बार करके देखें, इसको महसूस करें। जैसे ही आपका सेल्फ इमेज ठीक होता है आपका अपनी नजरों में रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और जैसे ही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इन सबके होने से आप ही बताएं कि अगर आपका सेल्फ इमेज और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें अगर स्वयं के लिए बढ़ जाए तो सक्सेस, सफलता कितनी दूर रहेगी आपसे। मतलब आप सफलता की ओर पहला कदम और सशक्त कदम बढ़ा देंगे, ये गारंटी है। अब जो आप बात कर रहे थे कि हम स्वयं से प्यार करें कैसे, कई हमसे सवाल करते हैं और कई लोगों से जब बातचीत हो रही होती है इस टॉपिक पे, लोग बात करते हैं यार खुद से प्यार करना है, खुद से हम कैसे प्यार करें? तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि खुद से भी और इमिडिएटली हम स्वयं के बाद अपना परिवार आता है, जो पहला हमारा है, पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारी फैमिली आती है। तो स्वयं से प्यार करते हुए और परिवार से, और अगर इसके आप आगे समाज से भी प्यार की बात करें तो सबके लिए ये लागू होता है जो आज मैं बताने लगा हूं। मैं ऐसे 5 तरीके आपको बता रहा हूं जिससे आप अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति ना सिर्फ आप प्यार का इजहार करोगे बल्कि प्यार में इस तरह प्यार को आप प्यार में इजाफा करोगे, प्यार का इजाफा करोगे कि ये एक नया मिसाल बन जाएगा। उसकी हम अगर बात करें तो सबसे पहला, एक बहुत ही मुझे गाना याद आ रहा है, काफी पहले हंसराज जी का एक गाना था, दिल चोरी साडा हो गया असि की करिए। वो चोरी की बात कर रहे थे, दिल के चोरी की बात कर रहे थे। आज तो दिल भी बेचारा परेशान है, आज दिल भी चोरी तो तब होगा जब दिल चैन से होगा, आज दिल बेचैन है। और उसका कारण क्या है, जिस चीज की चोरी हुई है, जो मैं पहली बात आपको बताने लगा हूं, वो है टाइम की। आज पूरी दुनिया में हर इंसान के पास अगर एक चीज की सबसे बड़ी कोई कमी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में रह रहा है, किसी भी तरह का काम कर रहा है, अगर सबसे पूछें तो सिर्फ एक ही बात करेगा वो कि मेरे पास तो मरने का टाइम नहीं है, जिंदगी हम कहां से जिए। मतलब जिंदगी जो इतना दुश्वार हो गया है, आप इस चीज को महसूस करें, उसके जड़ में, उसके मूल में एक कारण है कि आज किसी के पास कोई टाइम नहीं है। ना माता पिता के पास बच्चों के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए माता पिता के टाइम है, माता पिता के पास टाइम है। ऐसे ही सामाजिक कार्यों के लिए तो बहुत दूर की बात है, आपस में हमारे दोस्त, रिश्तेदार, बाकी सबकी शिकायत है कि टाइम नहीं है हमारे पास। और हर रिश्ते में आज जो समस्याएं आ रही है, चाहे वो
रिलेशनशिप की हम बात करें, पति पत्नी के रिश्ते हैं, जैसे हम कह रहे थे जो हमारे पेरेंटिंग का मसला है, बुजुर्ग हैं, हमारे घर घर के बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई इस समस्या से सफर कर रहा है तो वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास तो समय बिल्कुल ही कोई देने को तैयार नहीं है। और इस सबके पीछे जो आज एक, हम नहीं कहते कि हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें जो आज सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी हम बहुत सारा उपयोग भी कर सकते हैं, बैलेंसिंग करके उसका सही सदुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस मोबाइल ने हमारे रिश्तों की डोर को कितना कमज़ोर करा है ये हम सारे समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा चोर जो हम कह रहे हैं कि सबके साथ चोरी हुई है, वो चोरी हुई है समय की, और वो चोर हमारे साथ घूम रहा है 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे जेब में, आपके जेब में, हम सबके जेब में। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? इसकी शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें, स्वयं को टाइम दें। स्वयं को कैसे टाइम देना है? सेल्फ लव के थ्रू आपने सबसे पहला कदम बढ़ाना है कि समय देना है। समय ये देना है कि जो हमारी लंबी शिकायतें हैं बरसों, आप सोचे कि बचपन के बाद, वो बचपन था, वो बचपन का समय था, 5 साल 8 साल 10 साल की उम्र थी, जब तक हम पूरा समय अपने आप को देते थे, खेलने का मन है, मन मर्जी खेल रहे हैं, हर तरफ एक छूट, एक आज़ादी, एक लगता था कि हम एक जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज तो वो भी टेक्नोलॉजी के हवाले हो गया, तो हम उस प्रकार दोबारा से अपने आप को समय दें। कोई हमारी हॉबी हो सकती है जो बचपन से हम कुछ सीखना चाह रहे थे, कुछ हमारा कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां, जिसे हम देखना चाहते हैं, जहां हम घूमना चाहते हैं, कोई हमारे ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिसको हम भुलाए बैठे हैं उस मोबाइल के कारण, हम उसको, कोई हमारा पुराना मित्र हो सकता है, कोई हमारा क्लासमेट हो सकता है जो हमारे स्कूल में साथ में पढ़ता हो, उसे हम कॉल कर सकते हैं, उसको मिल सकते हैं। मतलब एक बार स्वयं को टाइम देना, अपना मनपसंद भोजन करने यहाँ जाओ यार, जो आपका पसंदीदा भोजन है, एक बार खुद को छुट्टी लो, आप मोबाइल को रखो साइड में, बोलो आज अपनी पसंद का खाना खा के आएंगे, भाई थोड़ी देर के लिए मुझे छुट्टी दो। तो पूरा का पूरा समय एक बार अपने आप को, और आगे मैं पूरा का पूरा एक एपिसोड बनाऊंगा जिसमें आपकी लाइफ की प्लानिंग करूंगा, तो बताऊंगा कि आपने इसकी कैसे स्टार्टिंग करनी है और कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन आज के एपिसोड में पहला पॉइंट कि आपने टाइम देना है, सबसे पहले हर रिश्ते को, हर रिश्ते को, समाज को भी और अपने आप को भी। सेकेंड स्टेप, थोड़ा सा सुन के आपको लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टच की। स्वयं को भी टच करना है, स्वयं के गले लगिए, यहां पर अपने दिल के पास हाथ रखिए और उस दिल को महसूस करिए, उस दिल को महसूस करिए, उसको प्यार से एक बार उसको धड़कते हुए देखिए, जहां पर आपकी सारी भावनाएं, सारी सकारात्मक भावनाएं वहां पर है, आप उनको महसूस करें अच्छे प्रकार से। मैं जिस टच की बात कर रहा हूं, भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में टच का एक अपना महत्व है। अगर मैं टच की बात कर रहा हूं तो नॉन सेक्सुअल की बात कर रहा हूं, ये आप जरूर समझने का प्रयास करना। जैसे माँ का आंचल है, माँ की गोद है, वो भी एक टच है। हमारे यहां तो टच के बगैर कोई बात ही नहीं होती, हर रिश्ते में टच है। एक गुरु का रिश्ता, एक गुरु शिष्य परंपरा है भारत में, उसमें सर पे हाथ रखना, सर पे हाथ रखते हैं, वो भी टच है, लेकिन उसका क्या प्रभाव है हमारे जीवन पर? गले मिलना, मैं गले पड़ने की बात नहीं कर रहा, गले लगने की बात कर रहा हूं। दोस्तों में, परिवार में, भाई बहन, एक दूसरे के गले लगो, एक दूसरे को ये भी टच देना है। एक फिल्म आई थी पीछे, मुन्ना भाई MBBS, जादू की झप्पी, ये मैं कह रहा हूं कि हर रिश्ते में कम से कम 5 बार, नोट कर लीजिए इस बात को, कम से कम 5 बार आप जादू की झप्पी स्वयं को दें। एक तो सबसे सेल्फ लव की बात कर रहे हैं, खुद के गले लगे 5 बार, बस समझो अपने दिल को गले लगा रहे हो आप, बरसों बाद स्वयं के गले लगो, उसके बाद अपने परिवार में हर रिश्ते के साथ, चाहे आपके छोटे बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके बुजुर्ग हैं, एक बार सब कुछ, वो जो हिचकिचाहट है उसको छोड़िए और गले लगिए आप दिन में 5 बार, सोते जगते, जब भी आप सोते वक्त जाते हो एक बार गले लगो सभी एक दूसरे के, सुबह जगते ही एक बार गले लगो, कहीं जा रहे हैं जाते वक्त, जब आ रहे हो आते वक्त, बस 5 की गिनती पूरी हो जाएगी, एक बार जब भी मौका मिले आप करके तो देखो, करिश्मा हो जाएगा, मैं दावे से कहता हूं करिश्मा हो जाएगा। तो ये जो दूसरा टच है,
दूसरा जो हमने टच की बात की है, ये टच को हमने आगे बढ़ाना है। तीसरा पॉइंट गिफ्ट, ये प्यार के वो टूल्स हैं, आपको करना होगा। हम जिस प्यार की बात कर रहे हैं, आप करके तो देखिए कैसे प्यार बढ़ता है, कैसे प्यार दिखता है, कैसे जो दिल जिसकी आपने बरसों बरसों से सुनी नहीं है वो दिल कैसे खिल उठता है, कैसे कमल की पंखुड़ियों की तरह खिलता है वो, आप महसूस करेंगे। तीसरा गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब गिफ्ट से सिर्फ ये नहीं है कि कोई महंगी वस्तु ही होती है। कहते हैं कि गिफ्ट देने वाले की गिफ्ट की कीमत नहीं, गिफ्ट देने वाले की नियत देखी जाती है। आप अपने बच्चे को छोटा गिफ्ट दे सकते हैं, आप अपने पति पत्नी हर रिश्ते में गिफ्ट का कोई, मैंने कहा कि कीमत की बात ही नहीं है। आप एक फूल ला सकते हो, गुलाब महंगा हो गया ना, अरे गेंदे का ले आओ मेरे दोस्त, कोई एक छोटा सा फूल दो आप। भावनाएं होती है, ये सिर्फ भावनाएं हैं। आप स्वयं को समय दे रहे हो, स्वयं के पास बैठकर अपने आप को, जो मैं बात कर रहा था उसके पसंदीदा अपने आप को गाना सुनाओ भाई मेरे, मेरे भाई उसको कोई पसंद का गाना होगा वो आप एक बार सुनाओ। बहुत सारी ऐसी वैसी चीजों में दिन रात उलझे होते हैं, ये भी स्वयं के लिए गिफ्ट होगा। अपने बच्चों को कोई उसकी मनपसंद जगह है आप लेके जाओ, दूर ले जाओ 2-3 दिनों के लिए, ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। बहुत कुछ जो हम भूले बैठे हैं उसको याद करने की जरूरत है। चौथी चीज है हमारी मीठी जुबान, मीठी बातें मीन्स पॉजिटिव बातें। अब पॉजिटिव बातें मीठी होते हुए कई बार कैसा निगेटिव होता है, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। ये भारतीय कल्चर में, देखिए भावना गलत नहीं होती, लेकिन मैं आपको भारतीय कल्चर की बात बता रहा हूं। आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार बीमार होता है और कई अपने पुराने लोग आ जाते हैं, उनकी भावनाएं गलत नहीं होती, और पता क्या बोलते हैं, पता लगे कोई हाल लेने आते हैं तो कैसे हाल लेते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपने बातें कैसी करनी है, मीठी है लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। मीठी बातें भी किस तरह निराशाजनक होती है, नकारात्मक होती है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। कि लोग हालचाल पूछने जाते हैं, बात क्या करते हैं, अच्छा ये बीमारी हुई है, अरे 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 मुझे फलाने का पता है इसी बीमारी से तड़प तड़प के मरा। मैं तो भगवान से कहता हूं, हे भगवान कम से कम ऐसे हालत इसके ना हो। आप उसको सांत्वना देने गए हो, आप उसको उसके साथ क्या कर रहे हो उनके साथ, आप मतलब ऐसी बातें, तो आप नकारात्मक बातों को लेकर ही ना आए। अरे उसकी तो बड़ी इस बीमारी की, तो ये तो दुश्मनों को भी ना हो। 4 उदाहरण लेकर वो आ जाते हैं, तो आप कैसी बातें कर रहे हो। तो जहां भी रहें सकारात्मक बातें, प्रेम पूर्ण बातें, मीठी मीठी बातें, प्यार भरी बातें, दिल को छूने वाली बातें, ये सारे शब्द हैं, लेकिन आप करके देखिए। मैं आपको प्यार के तरीके बता रहा हूं कि किस तरह से आपने प्यार में, जो कहते हैं कि प्रेममय वातावरण हमने बनाना है, तो उसकी ये शुरुआत इन रास्तों से आप कर सकते हो। सर जैसा कि आपने बताया सेल्फ लव के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया किस तरीके से आजकल के जो लोग हैं कुछ स्वार्थी हो जाते हैं। तो सेल्फ लव एक अलग किस्म की एक फीलिंग होती है खुद के प्रति, कि हम खुद के लिए क्या फील करते हैं। तो क्या ये हम कैसे समझे कि हम खुद के लिए क्या फील कर रहे हैं, हम खुद से कैसे प्यार कर सकते हैं, कैसे खुद की परवाह कर सकते हैं। क्योंकि आजकल होता है ना कि हमें कहते हैं ना कि हमारे फैमिली मेंबर में अगर कोई बीमार हो, हे भगवान उन्हें मतलब कुछ भी ना, मैं भले मर जाऊँ पर उन्हें कुछ ना हो। तो इसमें सेल्फ लव कहाँ डिफाइन होता है। ये पहले तो जो मैं अभी बात कर रहा था, भले ही वो आपको एक मजाक जैसा लग रहा था, ये भी निगेटिविटी है, ये भी नकारात्मक बातें हैं। क्यों हमारी जिंदगी लग जाए, हम अगर बात ही कर रहे हैं ना, विचार प्रार्थना ही कर रहे हैं, हम क्यों नहीं प्रार्थना कर सकते हैं वो भी ठीक हो जाए, हम भी ठीक हो जाए, दोनों मिलकर 125 साल जिए और एक अच्छी एक खूबसूरत जिंदगी जिए। वो भी तो हमारे विचार ही है ना, लेकिन हमारे विचारों में भी नकारात्मकता। जब भी हम यूनिवर्स साइंस की बात करेंगे, आने वाले टाइम में हम पूरा का पूरा एपिसोड यूनिवर्स पे करने वाले हैं। जो यूनिवर्स का रूल ऑफ यूनिवर्स है, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, वो तो हमारी एक एक नकारात्मक भावनाओं को रिस्पॉन्ड करती है। तो ऐसे कोई विचार, ऐसी कोई बातें होनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ आप जो कह रहे थे कि स्वयं से हम कैसे उस भावनाओं को करें, तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं, उसके अलावा एक काम बहुत जरूरी, जिसके लिए भी पूरी दुनिया में इसके प्रयोग हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और बहुत सारे रिसर्च से प्रूव्ड हुआ है कि करिश्मा है, जादू है, मैं वो जादू बता रहा हूं। सबसे पहले स्वयं को, आपने अपने दिल को, जो दिल बच्चा है, जिस दिल की आपने कभी परवाह नहीं की, जिसकी आप कभी सुनी नहीं, कहने को तो है कि दिल की सुनो,
दिल की मानो, दिल जो कहे वो करो, देखो चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हमने कभी करा नहीं। उसकी शुरुआत ये हो सकती है, एक बार बिल्कुल आराम से कहीं घर के किसी कोने में जाकर बैठिए और अपने दिल को दिल से सॉरी बोलिए, आई एम सॉरी। पहला सेंटेंस, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मैं तेरा ध्यान उस प्रकार से नहीं रख पाया। यही बात अपने परिवार के भी मेंबर्स के लिए लागू होता है, समाज के लिए भी लागू होता है। समाज को अभी थोड़ा मैं रखता हूँ अलग, कि समाज और अध्यात्म की बात नेक्स्ट में करेंगे, वो भी हमारा प्यार का ही मसला है। वो भी प्यार ही बढ़ता है तो हम समाज सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आई एम सॉरी, दूसरा कि उन्होंने आई एम सॉरी बोला, उसके बाद हमने क्षमा मांगना है, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे क्षमा कर दो, कृपया मुझे क्षमा करो। ये अपने दिल से और अपने सारे मेंबर को, सारे दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, रिलेटिव्स के साथ भी कर सकते हो, वो भी परिवार का पार्ट से होता है। तो हम दूसरा काम कर सकते हैं, प्लीज फॉरगिव मी। तीसरा कि अब अपने आप को महसूस करना है कि मुझे सबने क्षमा कर दिया, हमने सबसे क्षमा मांग ली और सबने हमें क्षमा भी कर दिया है। तो तीसरा हमने कहना है कि थैंक यू, आपने मुझे माफ करा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दिल को, अपने आसपास जितने भी हमारे लोग रहते हैं सबको हमने धन्यवाद करना है। और चौथा, पूरी भावनाओं से, मतलब आई लव यू सिर्फ दीवार पे लिखा शब्द नहीं है, एक बार अपने दिल को आई लव यू कहना है, महसूस करना है, दिल से कहना है और अपने दिल तक ये बात पहुंचाना है आई लव यू। और उस आई लव यू के संदेश को अपने सारे दोस्तों को एक बार बोलना है, अपने सारे जानने वाले को बोलना है, अपने परिवार के सभी सदस्यों को बोलना है। और फिर आप देखेंगे कि हम जिस प्यार की बात कर रहे हैं वो प्यार एक पूर्णता की ओर, एक अनंत, जो कहते हैं कि प्रेम की शक्ति अनंत है, उस अनंतता का आप एहसास अपने दिल से महसूस करोगे, ये मैं निश्चित तौर से कहता हूँ। तो आप आज के लिए, चूंकि आज के एपिसोड का समय हो रहा है, मैंने कहा था कि खलनायक से हीरो नंबर वन बनाने का रास्ता भी मैं बताऊंगा आपको, तो अगले एपिसोड में मैं आपको उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि आप कैसे अपने दिल की बात सुनकर, अपने दिल की कर और कुछ जो मैं स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो करके आप खलनायक से हीरो नंबर वन बनोगे। इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपकी जो बात है उनके दिल तक पहुंच गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें हमारे ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अभी समय इजाज़त नहीं देता, इसीलिए आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के एपिसोड देखने के लिए बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।